पारस और माहिरा का बारिश सॉन्ग हो गया है रिलीज। कैसा है गीत मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बारिश, कुछ समय से इस गीत की चर्चा हो रही थी। खुद पारस और माहिरा ने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्स रिलीज किए थे जिसमें वाइट क्रिश्चियन गाउन में थी और थ्री पीस सूट में जेंटलमैन, एकदम ऐसा लग रहा था कि शादी होने वाली, और ऐसा ही है। दोनों शादी कर रहे हैं लेकिन शादी हो नहीं पाएगी, क्यों, क्या, कैसे, थोड़ा सा सब्र रखिए। गाने के बोल बहुत सुंदर है, सबसे पहले मैं बात करूंगी, और गाने को लिखा है टोनी कक्कड़ ने, और बहुत ही खूबसूरत बोल है गाने के। एक मिनट मैं आपको पूरा डिटेल, हाँ, टोनी कक्कड़ ने लिखा है, म्यूजिक भी टोनी का है, गाया सोनू कक्कड़ और निखिल डिसूजा ने है। और फिल्म इसमें जो अगर मैं कहूँ गीत में, बारिश गीत में 5 मिनट का गीत है, केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत लग रही है। गाने के बोल है, आप सोचेंगे कि गाने का टाइटल बारिश क्यों दिया गया है, मैं आपको 4 लाइनें बताती हूँ। तेरी मेरी कहानी के किस्से बड़े हैं, टूटा है दिल, बिखरे हुए हिस्से पड़े हैं, प्यार सच्चा हर किसी को क्यों नहीं मिलता, बारिश में आंसुओं का पता नहीं चलता। तो इस तरह से पूरा लाइन है, और मैंने जब ये गाना देखा, मैंने रिपीट मोड पे 2 बार देखा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पारस और माहिरा की केमिस्ट्री है अमेजिंग है। मतलब मैं एज अ कपल, जब ये लोग बिग बॉस में थे, रियल लाइफ में थे, मुझे वो केमिस्ट्री में वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा था जो ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है। इन दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों जब जब साथ में आएंगे, लोगों को इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आएगी। ये दोनों का जो कनेक्शन है ना, प्यार का, दर्द का, इस गाने में बहुत सारे इमोशन हैं, प्यार, बिछड़ना, दर्द, मिलना। गाने का टैगलाइन है जहाँ खत्म होता है, ट्रू लव नेवर एंड। तो ये जो पूरे ट्रू लव की जर्नी है ना, उसको इस गीत में दिखाया गया है। तो जो आपने पिक्स देखी थी, जो इन लोगों ने रिलीज की थी, उससे कहीं ज्यादा और बहुत ही अलग ये गीत है। मैं गाने की पूरी स्टोरी रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद ये गाना देखकर उसे फील करें। बहुत प्यारा गाना है। बिग बॉस के घर से आने के बाद दोनों का पहला साथ में प्रोजेक्ट है और इसका इंतजार सभी कर रहे थे। इस गाने को सुनकर जो है, मुझे एक कोट है चार्ली चैपलिन का, वो याद आ गया, बहुत ही फेमस है। आई ऑलवेज लाइक वॉकिंग इन द रेन सो नो वन कैन सी मी क्राइंग। मैं इसलिए बारिश में मुझे पसंद है क्योंकि लोग देख नहीं सकते कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कि आंसू है या बादलों का पानी है। तो उस लाइन से इंस्पायर होके मुझे लगता है इस गीत को लिखा गया है। एक पूरा 5 मिनट में पूरा मीनिंगफुल एक पैकेज की तरह है, ये कहानी पूरी कह देते हैं, अपने आप में कहानी पूरी बयां करता है एक ट्रू लव की। और इस गाने को थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले रिलीज किया गया है, 15-20 मिनट पहले, और इसको अभी तक लगभग 47,000 व्यू हो चुके हैं। इसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई रियली लाइक पाहिरा फ्रेंडशिप, सेट पाहिरा फ्रेंडशिप, व्हाट अ सोलफुल एंड हार्ट टचिंग वॉइस सोनू कक्कड़ एंड नाइस केमिस्ट्री पारस एंड माहिरा। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत अच्छी लग रही है केमिस्ट्री। कौन कौन इनकी शादी करवाना चाहता है लाइक करो। हार्ट टचिंग सॉन्ग, लव यू माहिरा एंड पारस। हार्ट टचिंग है ये गाना, मतलब जब मैंने देखा मेरी भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। बहुत ही प्यारा गाना है। ओ माई गॉड सो क्यूट, माहिरा इज लुकिंग फैब एंड इवन पारस एक्टिंग, दे आर फ्रेंड्स बट प्रोफेशनली दे आर सो क्यूटीज, आई डोंट रियली लाइक देम इन बिग बॉस बट द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग एंड लिरिक्स आर बेस्ट। यही वो सारे चीजें हैं जैसा कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको जो इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वो बहुत प्यारी लगेगी इन दोनों की, और वो देखना आपको मजा आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गाने को ज्यादा रिवील नहीं करूँ, और आप इस गाने को देखिए। इस गाने को जो है अच्छे, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ मिक्स रिएक्शन अभी तक मिल रहा है, तो आप भी देखिए। और आपको कैसा लगा गाना, प्लीज मुझे भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस गाने में और क्या बुरा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।